The name of trust, Sanju Collection. Shirt, T-shirt, lower, carefree, jeans and the variety of chainswear. Now available in Mauranipur. To contact 8577932915. कई दशकों से दैवीय आपदाओं से जूझता किसान उबर नहीं पा रहा है। इस बार मानसून उस वक्त जमकर बरसा जब किसानों की फसलें खेतों में तैयार खड़ी थी। फसलें खराब होने के बाद बुंदेलखंड के किसान सदमे में हैं। किसानों के द्वारा बोई गई खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसानों ने उर्द, मूंग और तिली अपने खेतों में बोई थी। ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर आधारित किसान पूरी तरह टूट चुके हैं। बरसात के मौसम में फसल गेहूं के सीजन में होने वाले खर्च की पूर्ति करती है, लेकिन यह फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान और चिंतित हैं। इस संबंध में जब हमारी टीम ने ग्राम पटगुआ ब्लॉक 15 के किसानों से ग्राउंड जीरो पर जाकर बात की, तो किसानों ने बताया कि दिन रात एक करके उन्होंने जानवरों से सुरक्षा की, बड़ी मेहनत से फसल तैयार की थी, लेकिन असमय बारिश होने से उनकी पूरी फसल खत्म हो गई। खेतों में खड़ी तिली की फसल काली पड़ चुकी है। किसानों को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। प्रत्येक किसान कम से कम 1500 रुपए बीघा इस फसल पर खर्च करता है और बड़े किसान हजारों रुपए खर्च करते हैं, तब जाकर यह फसल तैयार होती है, लेकिन बारिश ने उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तिली सही है, खराब सड़ गई, सड़ गई, खराब है, सड़ गई, साहब नुकसान होगा। पुर्दा भी सड़ गए, मूंग भी सड़ गई, मूंगफली अब कुरान लगी हुई। अब क्या उम्मीद है सरकार से, कछु आशा? अब जो कछु आशा मिल जाए सुबह है, अब कहते का है हमारे सब सड़कों हुआ। तो आप मैं खेती में क्या बोए थे अभी? वादा वो भी होता है और तिली वो भी सही है, सब बैठा था हमारे तिंदान ने कल जाके नहाया वहाँ। पानी बरसे से नुकसान भाव? हाँ, भाव के साया गए ऐसी दही। हाँ अच्छा, क्या नुकसान हो गया अभी? हमारी तिली साया गई, वादा साया गए, मूंगफली भी को आ गई, मैं कुछ नहीं जा। लागत कितनी लगी थी अपनी? लागत तो हमारे कम से कम 20-25 हज़ार की लागत है। 20-25 हज़ार की? बुंदेलखंड में किसानों के हाथ पूरी तरह खाली हैं। आगे गेहूं की फसल कैसे बोई जाए, इस बात को लेकर सभी चिंतित हैं। किसानों ने जांच अधिकारी से सही रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने की मांग की है, जिससे उन्हें नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा मिल सके और वह आगे की फसल का इंतजाम कर सकें। श्रीमान जी, शैलेंद्र कुमार सिरोठिया, ग्राम पटगुआ, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी। श्रीमान जी, हमारे गांव पटगुआ में और पटगुआ में का पूरे बुंदेलखंड में बारिश ज़्यादा हो रही है, वजह से जो है हमारे गांव के जो किसान हैं, अधिकांश किसान खेती पे आधारित हैं। खेती के अलावा उनके पास रोजगार को दूसरों को साधन भी नहीं है। और जब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे तक के उड़दा, मूंग, मूंगफली और तिली सब चौपट हो गए, तो हम जो चाह रहे हैं कि हमारी किसानन की बात आपके माध्यम से उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुँचवे, SDM साहब ना पहुँचवे, कलेक्टर साहब ना पहुँचवे, इतने तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचवे। तो अगर जो कछु हो सके, नुकसान तो बहुत होगा, अगर नुकसान जोड़ो जाए तो 10 बीघा में कम से कम 1,00,000 को है, लेकिन अगर 1,00,000 तो नहीं दे पा रहे, तो हम उनकी जितने लागत लगी 10 बीघा में कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया की लागत लगी, दवाई लगी, खेती में जो है जुताई लगी, डीजल लगो, तमाम प्रकार की बीज लगे, तो जो नुकसान हम उनको अगर 20-20 हज़ार रुपया अगर 10 बीघा पर मिल जाए, तो हम लोगों को जो है काफ़ी राहत हुई है। मऊरानीपुर से अनुश्रोति के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।